थर्ड ओपन योर साइंस बुक एंड ओपन पेज नंबर एटी नाइन तो बच्चे पेज नंबर एटी नाइन में हमने एयर वाटर एंड वेदर में एयर एंड वाटर के बारे में पढ़ा था इसमें हमने वाटर्स के अलग अलग फॉर्म्स के बारे में पढ़ा था वाटर की थ्री फॉर्म्स होती हैं लिक्विड गैस एंड सॉलिड और इसमें हम आज करेंगे इसकी एक्सरसाइज तो इसमें आप एक्सरसाइज ओपन करिए अपनी तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है और साथ में अपनी नोटबुक भी निकालिए तो इसमें आंसर था फॉलोइंग क्वेश्चन में एयर एंड वाटर आपका लेसन है और पहला क्वेश्चन है व्हाट हैपन्स वन वाटर इज हीटेड क्या होता है जब पानी गर्म होता है तो इसका आंसर होगा वैन वाटर इज हीटेड इट चेंज इंटू वाटर वेपर जब पानी गर्म होता है तो किस में बदल जाता है वाटर वेपर में वास्ट में बदल जाता है क्वेश्चन टू हाउ कैन वी चेंज वाटर इंटू आइस हम किस प्रकार से पानी को बर्फ़ में बदल सकते हैं आंसर when we water in a tray and place in the freezer, liquid water change into ice. हम जब पानी लेते हैं और उसको ट्रे में रखेंगे और कहाँ रखेंगे फ्रीज में रखेंगे तो जो पानी का तरल मात्रा में होता है वो हमको बर्फ के रूप में मिल जाता है क्वेश्चन थर्ड नेम फॉर यूज़ ऑफ वाटर चार आपको पानी का प्रयोग यूज़ लिखना है जैसे आप पानी का यूज़ करेंगे तो हम पानी का यूज़ करते हैं ड्रिंकिंग बाथिंग कुकिंग एंड वॉशिंग में पीने के लिए नहाने के लिए खाना बनाने के लिए और धोने के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं क्वेश्चन फोर्थ है व्हाट इज़ द कंडक्शन ऑफ वाटर तो आंसर आएगा द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड वाटर बाय कूलिंग इज कॉल्ड कंडक्शन क्वेश्चन सिक्स व्हाट नेम थ्री स्टेट्स ऑफ वाटर तो लिक्विड सॉलिड एंड गैस जो आपकी थ्री स्टेट्स हैं वाटर की फिर आपका आता है क्वेश्चन सेवन हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म तो द क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय कंडक्शन क्वेश्चन एट नेम फॉर सोर्स ऑफ वाटर तो रेन पॉन्ड रिवर एंड वेल हमारे सोर्सेज हैं पानी के जहाँ से हमको पानी मिलता है तो आप आज इसके एट क्वेश्चन हैं तो एट क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में करेंगे और इसके बाकी की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तो इन क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में करेंगे ओके